Assalamu alaikum dear students, today we will discuss political science CSS past paper 1 2024 or section A mein hamara first question hai. Aristotle was a realist and not an idealist, elaborate with reference to his theory of the end and the function of the state. Aristotle ek haqeeqat pasand tha, misali nahi, iske riyasat ke maqasid aur afal ke nazariye ke hawale se wazahat kare. Aristotle, one of the greatest philosophers of the ancient Greece, is often viewed as a realist rather than idealist. His political philosophy is grounded in practical observation of the human behavior in society rather than abstract ideals. Aristotle jo tha wo ek qadeem Yunan ke azim tarin falsafa mein se ek, aksar ek haqeeqat pasand ke taur par dekha jata hai bajaye iske ki wo ek misali shakhs ho aur uska siyasi falsafa insani tarz amal aur muashre ki jo amli yani ke mushahadat hain uske upar mabni hai na kisi tajri nazariyat ke upar. तो अगर हम डिफाइन करें रियलिज्म को तो फलसफा में हकीकत पसंदी जो है वो जिंदगी के अमली और ठोस पहलुओं के ऊपर तवज्जो देता है और हकीकत पसंद लोग तजुर्बाती शवाहद और मुशाहदाती हकायक को अहमियत देते हैं. तो सियासत में हकीकत पसंद अफराद और रियासतों के हकीकी तर्ज अमल उनके मोटिवेशंस डायनेमिक्स और मफादात के ऊपर गौर करती है. फिर है डेफिनेशन ऑफ द आइडियलिज्म. आइडियलिज्म अदर एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइडियल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. Idealists often focus on what should be rather than what is and believing that a better world can be created through moral and ethical ideals. Yani misal pasand iske baraks jo hai wo khayalat iqdar aur usoolon ki ahmiyat ko highlight karti hai. Misal pasand log iske upar tawajjuh dete hain ki kya hona chahiye bajaye iske ki kya hai aur unka manna hai ki ikhlaqi aur ikhlaqi usoolon ke zariye behtar duniya banayi ja sakti hai. Aristotle theory of the state, the purpose of the state. Aristotle ka jo riyasat ka nazariya hai wo riyasat ka maqsad यानी अरस्तु का यह मानना था कि रियासत का जो बुनियादी मकसद है वह अवाम की भलाई को हासिल करना है. जहाँ मिसाली पसंद एक तजरीदी तसव्वुर में मिसाली रियासत का तसव्वुर कर सकते हैं. अरस्तु ने अपनी रियासत की अंडरस्टैंडिंग को इंसानी फितरत और माशरे की हकीकतों में जोड़ा. देन गुड लाइफ. अरस्तु के मुताबिक रियासत का जो वजूद है वो इसलिए है कि अफराद को अच्छी जिंदगी गुजारने में मदद मिल सके, जिसकी तारीफ फजीलत और इखलाकी किरदार से की जाती है. और उनका ख्याल था कि रियासत को ऐसा माहौल फ्राहम करना चाहिए जहाँ शहरी अपनी सलाहियतों को तरक्की दे सकें और मुकम्मल जिंदगी गुजार सकें. देन फंक्शन ऑफ द स्टेट प्रोवाइडिंग जस्टिस. रियासत का काम है इंसाफ की फरहमी करना. और अरस्तु एक नज़दीक रियासत का जो एक अहम काम था वो इंसाफ को यकीनी बनाना है. और इसका मानना था कि इंसाफ मुआशरे में अमन और आमांगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है. और इस अमली नुक्ते नज़र से अरस्तु की जो हकीकत पसंदी है वो भी वाज़ेह होती है. और क्योंकि वह तनाजा से बचने और इस काम को फ़रोग देने के लिए जो है वो कवानीन और हुक्मरानी की ज़रूरत के ऊपर जोर देते हैं. देन प्रमोटिंग वर्च्यू यानी फजीलत की तरक्की. रियासत का एक और अहम काम जो है वो शहरियों में नेक अमल को फ़रोग देना है. अरस्तु ने दलील दी कि कवानीन को इखलाकी तरक्की की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उन अफराद को हिम्मत एतदाल और इंसाफ जैसी खूबियों को अपनाने में मदद करनी चाहिए. दिस फंक्शन एम्फसाइज़ द प्रैक्टिकल नीड फॉर मॉरल सोसाइटी rather than idealized vision of the humanity. ये काम एक इखलाकी मुआशरे की अमली ज़रूरियात को उजागर करता है, ना कि किसी इंसानियत के किसी मिसाली तसव्वुर को. तो शहरियों की जो नौयत है, नेचर ऑफ द सिटीजनशिप है, शहरियत की नेचर. तो अरस्तु की जो शहरियत की राय है उसकी हकीकत पसंदी को मजीद वाज़ेह करती है. इसने शहरियों को अनफरादी तौर पर ऐसे अफराद के तौर पर बयान किया है जो कि हुकूमत में फाल तौर पर शरीक होते हैं. और इसके बरक्स मिसाल पसंद जो लोग हैं वो यूनिवर्सल राइट्स के लिए हमायत कर सकते हैं. लेकिन अरस्तु ने सियासी ज़िंदगी की कंपेटिटिव और शहरी मामलों में नफाल शिरकत की अहमियत को तस्लीम किया. देन स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स रियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. अरस्तु की हुकूमत की दर्जाबंदी. सियासी निज़ामों का हकीकत पसंदाना तज्जिया जो है वो अरस्तु ने एक हुकूमत को तीन अच्छी इकसाम और तीन बुरी इकसाम के अंदर तकसीम किया. जो अच्छी इकसाम थी यानी कि जो गुड फॉर्म्स थी उनके अंदर बादशाह, अशराफ या जमहूरिया, और तीन जो बुरी इकसाम थी उसमें आमरियत, ओलगार्की और जमहूरियत के अंदर तकसीम किया. सो ये दर्जाबंदी है इक्तदार की डायनामिक्स और इंसानी तर्ज अमल की हकीकत के ऊपर मबनी है. सो एम्फसाइजिंग दैट गवर्नमेंट्स ऑफन रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज इन पावर देन आइडियल प्रिंसिपल्स. इस बात को उजागर करते हुए कि हुकूमतें अक्सर इन अफराद के मफादात की अक्कासी करती हैं जो इक्तदार में होते हैं, ना किसी के मिसाली असूलों की. प्रैग्मेटिक अप्रोच टू पॉलिटिकल चेंज. अरिस्टोटल आल्सो एक्नॉलेज द पॉलिटिकल चेंज इज नेचुरल पार्ट ऑफ द लाइफ. अरस्तु ने यह भी तस्लीम किया कि सियासी तब्दीली जिंदगी का एक फितरी हिस्सा है. इसकी हकीकत पसंदाना जो नुकता नज़र है
उसने एक ये समझने के काबिल बनाया कि मुआशरा एवोल्यूशन यानी कि इसमें यानी कि एवोलाइज्ड होता है, इवोल्व होता है, मुआशरा अर्तका पजीर होते हैं और हुकूमत को बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालना ज़रूरी होता है। तो ये जो मिसाली पसंद है इनके यानी कि हर खिलाफ है, जो शायद यानी कि इसके अंदर जो के जो टोपियाई नज़रियात है उसके ऊपर सख्ती से अमल करने की वकालत करता है। सो अरिस्टोटल का जो सियासी फलसफा है वो वाज़ह तौर पर हकीकत पसंदी के साथ आहंग है। तो ना के मिसाल पसंदी के साथ तो रियासत का जो मकासद दरफाल है उनके तजिये के जरिए इसने अवामी जो भलाई है उसके लिए उसके हसूल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए और जो इंसानी फितरत और माशरे की हकीकतों के ऊपर मबनी फजीलत को फ़रोग देने की अहमियत के ऊपर जोर दिया। By focusing on practical governance rather than abstract ideologies, जो यानी अमली हुक्मरानी पर तवज्जो देकर तजरीदी नज़रिया से बचे हुए तो अरस्तु ने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जो जदीद सियासी फिकर में भी मुतल्लिका है और सियासी जिंदगी के पेचीदगी को समझने में हकीकत पसंदी की जो अहमियत है उदय अहमियत है उसको भी ज़ाहिर करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट टू कॉल मुकाबली या सिटीजन ऑफ ऑल स्टेट्स इन कंटेंपरेरी ऑफ ऑल एजेस सब्सटेंस योर आंसर विद वैलिड आर्गुमेंट्स। ये कहना दुरुस्त है कि मुकाबले तमाम रियासतों का शहरी और हर दौर का हम असर था अपने जवाब को माकूल दलाल के साथ साबित करें। तो निकोलो मुकाबले थे वो अक्सर एक ऐसे मुफक्कर उनको समझा जाता है जिसके ख्यालात ज्योग्राफी और जमानी हदूद से मावरा हैं। तो इसमें हम देखेंगे इस बात का जायजा लेंगे क्या कि तमाम रियासतों का शहरी और हर दौर का हम असर कहना दुरुस्त है। सो अंडरस्टैंडिंग मुकाबले कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मुकाबले के जो तारीखी पस मंजर है वो कुछ इस तरह से है कि मुकाबले अतालवी निशात सानिया के दौर में जिंदा रहा। ये वो वक्त था जब इटली के शहर रियासतें जो मुसलसल ताकत के असूल की कोशिश कर रही थी तो और सियासी कश्मकश भी आम थी। तो जो यानी कि इसमें जो फ्लोरेंस थे वो जमहूरिया में सफारतकार अहदे के तौर पर अहदेदार के तौर पर इसके तजुर्बात में से इक्तदार और फिर हुक्मरानी की फितरत के बारे में जो है वो गहरी बसीरत दी। देन की वर्क द प्रिंस इन हिज फेमस वर्क द प्रिंस, अपनी सबसे मशहूर किताब द प्रिंस में मुकाबले सियासी क़यादत पर अमली मशवरे पेश करता है और इसके साथ ताकत चलाकी और हकीकी सियासत यानी कि रियल पॉलिटिक की अहमियत को अखलाकी या असूली ख्यालात के ऊपर तरजीह देता है। दिस वर्क हैज लेड मेनी टू सी हिम एज अ रेडिकल थिंकर ऑफन एट ऑड्स विद कंटेम्पररी पॉलिटिकल नॉर्म्स। इस किताब की वजह से अक्सर एक इनकलाबी मुफक्किर के तौर पर देखा जाता है जो अक्सर अपने दौर की सियासी रवायात से मुतसादिम होता था। मुकाबले इज अ सिटीजन ऑफ आवर स्टेट्स यूनिवर्सल थीम्स इन पॉलिटिकल थॉट, तो सियासी सोच में जो यानी कि आफाकी है मौजूआत हैं मुकाबले का इक्तदार इंसानी फितरत और हुक्मरानी का तज्जिया मुख्तलिफ सियासी तनाजर में लागू होता है और उसके जो मुशाहदात हैं जैसा कि हुक्मरानों की ख्वाहिशात खौफ और क़यादत की पेचीदगी मुख्तलिफ सकाफतों और सियासी निज़ामों में मुतल्लिका हैं रेलिवेंट हैं जो उसे तमाम रियासतों का शहरी बनाते हैं। देन अ टाइमलेस रेलिवेंस, तो उसके ख्यालात जो हैं ख़ास तौर पर जो मकासद जो हैं ज़राए को जायज़ बनाते हैं और उनका तसव्वुर आज की बहुत सी सियासी सूरत हाल में गूंजता है और हुक्मरानों की जो डायनमिक्स और ताकत की हरकत हैं उनके बारे में इसके मुशाहदात मुख्तलिफ कौमों और सियासी निज़ामों में लागू होते हैं। देन ग्लोबल इन्फ्लुएंस, मुकाबले के ख्यालात ने आइडियाज ने दुनिया भर के सियासी मुफक्किरीन को मुतासिर किया चाहे वो मगरब में थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक हो या मशरिक में सन ज़ू जैसे मुफक्किरीन हो। हिज इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी एक्सटेंड बियॉन्ड इटली मेकिंग हिज वर्क रेलिवेंट टू वेरियस कल्चर्स एंड गवर्नमेंट्स। सियासी उसका जो फलसफा था इटली से आगे बढ़कर मुख्तलिफ सकाफतों और हुकूमतों के ऊपर असरअंदाज हुआ जो उसकी आलमी सतह पर मुतल्लिका होने की दलील भी है और मुकाबले बतौर हर दौर का हम असर रहा। मुकाबले के जो प्रिंसिपल्स थे वो रियासी अमूर क़यादत के बारे में आज भी मौसर सियासी डिबेट्स में रेलिवेंट हैं और उसने सियासी जिंदगी की तल हकीकतों का जायजा लिया तस्लीम किया कि रहनुमाओं को अक्सर अखलाकी पेचीदगियों से गुजरना पड़ता है। फिर रियल पॉलिटिक क्या है, हकीकी सियासत का उभरना जो अमली मसलहत पसंदाना गौर फिक्र पर मबनी जो सियासी निज़ाम है तो मुकाबले की तलीमात की अक्कासी करते हैं और आज के रहनुमा जो है जब हिकमत अमली के फैसले करते हैं तो अक्सर उसके जो ख्यालात होते हैं वो यानी कि ख्यालात से वो रहनुमाई लेते हैं और जो उसके काम की जारी अहमियत को भी जाहिर करता है। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत का मुताला, तो मुकाबले का इंसानी फितरत का मुताला जिसमें खुद गर्जी
سیلف انٹرسٹ اور خواہش کو مرکزی حیثیت دی گئی اور وقت سے یہ کیا ہے محاورہ ہے ٹرانسینڈ ٹائم. تو اس کے خیالات اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں تنازع اور طاقت کی جد و جہد لازمی ہیں جو اس کے کام کو ہر دور کے لیے جو ہے وہ قابل اطلاق بناتی ہیں. اس بات اپلیکیبل ٹو آل ایجز. دین کاؤنٹر ایگریمنٹس کلچرل لمیٹیشنز. تو کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ مقابلی کا کانٹیکس اطالوی نشاط ثانیہ کی مخصوص تاریخ اور ثقافتی حالات میں جڑا ہوا ہے جو اس کے خیالات کے موجودہ جو یعنی کہ معاشروں پر لاگو ہونے کی صلاحیت ہے اس کو محدود کر سکتا ہے. His recommendations may not align with democratic values or ethical governance in our religion. اس کی تجاویز ہر جگہ جمہوری اقدار یا اخلاقی حکمرانوں سے امانگ نہیں ہو سکتی. Then misinterpretations of the intent. نیت کی غلط تشریح. میکاولی کے خیالات کو کبھی کبھار یعنی کبھی کبھی جبر یا بے اصولی کی تائید کے طور پر غلط سمجھا جاتا ہے اور اس سے اس کے کام کے بارے میں یعنی منقسم آرا پیدا ہوئیں جو شاید اسے ایک افاقی مفکر کے طور پر تسلیم کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. تو ان کنکلوژن یہ کہنا معقول ہے کہ میکاولی کو تمام ریاستوں کا شہری اور ہر دور کا معاصر کہا جا سکتا ہے اور اس کا اقتدار انسانی فطرت اور حکمرانی کا تجزیہ ایسے بصیرت فراہم کرتے ہیں جو آج بھی مختلف تناظر میں متعلقہ ہیں. So while cultural limitations and misinterpretations exist, the universal themes in the network solidify his place as a significant thinker in a political philosophy influencing generations across the globe. تو ثقافتی حدود اور غلط تشریحات موجود ہیں لیکن اس کے کام میں پائے جانے والے جو آفاقی موضوعات ہیں سبجیکٹس ہیں اسے سیاسی فلسفے میں ایک اہم مقام پر فائز کرتے ہیں اور جسے دنیا بھر میں نسلوں کو متاثر کیا ہے. اور نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے ڈسکس مونٹیسکیو تھیوری آف دا سپریشن آف دا پاورز. وائی از دا کنسیڈرڈ اسٹارٹل آف دا 18th سینچری. مونٹیسکیو کا نظریہ تقسیم اختیارات 18th صدی کا ارسطو پر تبصرہ کرے اور انہیں یہ کیوں کہا جاتا ہے یعنی مونٹیسکیو کا نظریہ تقسیم اختیارات کیا ہے. تو مونٹیسکیو جو تھے ایک 18th صدی کے ایک فرانسیسی فلسفی تھے جو اپنے نظریہ تقسیم اختیارات کے لیے مشہور ہیں اور جس نے جدید سیاسی نظاموں پر گہرا اثر ڈالا ہے. سو جو تقسیم اختیارات ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سپریشن آف دا پاور ایک ایسا سیاسی نظریہ ہے جو حکومت کی ذمہ داریوں کو مختلف یعنی کہ شاخوں میں برانچز میں ڈیوائڈ کرتا ہے تاکہ کوئی ایک شاخ حد سے زیادہ طاقت حاصل نہ کر سکے. اور مونٹیسکیو نے اس تصور کو اپنی مشہور کتاب اسپرٹ آف دی لاز کے اندر جو ہے وہ لکھا 1748 میں. 3 برانچز آف دا گورنمنٹ لیگسلیٹو برانچ ایگزیکٹو برانچ اینڈ جوڈیشل برانچ حکومت کی 3 شاخیں. مونٹیسکیو نے حکومت کی 3 شاخوں کی نشاندہی کی. تو قوانین بنانے کی ذمہ دار ہے لیگسلیٹو برانچ اس شاخ کو الگ ہونا چاہیے تاکہ قوانین عوام کی مرضی کے مطابق ہوں. پھر ایگزیکٹو برانچ ہے قوانین کو یعنی کہ جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے یعنی یہ شاخ مقننہ کے بنائے گئے قوانین کو عملی جامہ پہناتی ہے. پھر جوڈیشل برانچ ہے عدالتی شاخ تو قوانین کی تشریح کرنے کی ذمہ دار ہے عدالتی شاخ اور یہ شاخ یقینی بناتی ہے کہ قوانین منصفانہ اور مستقل طور پر امپلیمنٹ ہوں. امپورٹنس آف سپریشن آف دا پاورز پریونٹنگ ٹائرنی یعنی ظلم و جبر کی روک تھام. تو مونٹیسکیو نے کہا کہ اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ ظلم و جبر سے بچانے کے لیے ضروری ہے. مختلف برانچز میں اختیارات کی تقسیم سے ہر ایک برانچ دوسرے کو چیک کر سکتی ہے جس سے کوئی ایک شاخ حکومت کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ نہیں ہو سکتی. دین پروٹیکٹنگ انڈیویجل لبرٹیز افراد کی آزادیوں کا تحفظ. اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ شہریوں کی آزادیوں کو بھی محفوظ کرتی ہے اور حکومت کی جو طاقت ہے اس کو محدود کر کے شہریوں کو جبر کا سامنا کم ہوتا ہے. اور مونٹیسکیو کا ماننا تھا کہ ایک حکومت کو اپنے شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کا احترام کرنا چاہیے. انکریجنگ اکاؤنٹبلٹی حکومت کی ہر ایک برانچ دوسری برانچ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے جو شفافیت اور دیانت کو پروموٹ کرتی ہے. ون برانچ ایکسیڈز اتھارٹیز اینڈ ادرز کین انٹروین مینٹیننگ اے بیلنس آف دا پاور. اگر کوئی شاخ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے تو دوسری شاخیں مداخلت کر سکتی ہیں جس سے طاقت کا توازن میں جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. پھر مونٹیسکیو انفلوئنس آن دا ماڈرن گورننس اڈاپشنز ان کنسٹیٹیوشنز آئینوں میں اپنانا. مونٹیسکیو کے نظریے نے بہت سے جدید آئینوں پر گہرا اثر ڈالا ہے خاص طور پر امریکہ کے آئین کے اوپر جس میں حکومت کی شاخوں کے درمیان واضح طور پر اختیارات کی تقسیم موجود ہے. دین فاؤنڈیشن فار ڈیموکریٹک سسٹم ان کے خیالات نے جمہوری طرز حکومت کی بنیاد رکھی جو سیاسی ڈھانچے میں
बैलेंस और जो है वो चेकर्स की जरूरत है, उन्हें चेकर्स की जरूरत पर जोर देते हैं और इससे दुनिया भर में मोस्टाइकम और मोस्टर हुकूमतों की तरक्की में मदद मिली। और मंटिस को 18वीं सदी का अरस्तु, तो इसमें जो इल्मी विरासत है इंटेलेक्चुअल लिगेसी, तो मंटिस को 18वीं सदी का अरस्तु कहा जाता है क्योंकि उनका सियासी फलसफा पर जो गहरा असर था और उन्होंने हुकूमत और मुआशरे का एक बेहतर तरीके से मुताला किया। तो और अरस्तु ने की जो सियासत है अखलाकियात और मुआशरे उसका मुनज़्ज़म उन्होंने जायजा लिया और इसी तरह मंटिस्को ने कवानीन सकाफत और हुकूमरानी के दरमियान ताल्लुक का तज्जिया किया। देन कंपेरेटिव एनालिसिस, मंटिस्को की तरीका कार में जो मुख्तलिफ सियासी निज़ामों का मौजना है वो शामिल है और जिस तरह अरस्तु ने किया था तो उन्होंने उन्हें जो है उन्होंने मुख्तलिफ दर्ज हुकूमतों जैसे जम्हूरियत बादशाहत और मतलक अनानियत का मुताला किया और उनकी मजबूतियों और कमजोरियों को उजागर किया। दिस कंपैरेटिव अप्रोच एस्टैब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स, तो उनका ये जो यानी कि तकाबली तरीकाकार है वो सियासी डायनेमिक्स को समझने के लिए एक अहम फ्रेमवर्क देता है। तो दोनों जो मुफक्किरीन थे उन्होंने सियासी नजरियात बनाने में तजर्बी मुशाहदे की अहमियत के ऊपर जोर दिया और मंटेस्को ने इस बात का तजिया किया कि जोग्राफिया क्लाइमेट एंड कल्चरल इफेक्ट गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट अ सिमिलर एम्पिरिकल रेगर फाउंड इन रिस्टर्टल वर्क, यानी इस बात का तजिया कि जोग्राफिया आबोहवा और सकाफत हुकूमत को कैसे मुतासर करती है जो अरस्तु के कानून पाए जाने वाले तजर्बाती सख्ती की अकासी करता है। तो मंटेस्को का जो नजरिया था वो तकसीम इख्तियारात था, यानी जदीद जमहूरी तर्ज हुकूमत का संग बुनियाद है जो जुल्म और जबर की रोकथाम करता है, अफराद की आज़ादियों का तहफ़ करता है और इनका तजर्बा तरीकाकार जो है वो सियासी निज़ामों का मुताला भी करता है। तो 18वीं सदी का जो अरस्तु है वो बनाता है यानी जदीद सियासी फिक्र की बुनियाद रखकर, तो मंटेस्को ने सियासी फलसफे की तारीख में एक अहम शख्सियत है। देन एलिब्रेट द थ्योरी ऑफ द किंगशिप एज प्रोपाउंडेड बाय निज़ामुल मुल्क तोसी, द थ्योरी ऑफ द किंगशिप बाय निज़ामुल मुल्क तोसी, तो निज़ामुल मुल्क तोसी के पेश करदा नज़रिया बादशाह की वजाहत की जाए। तो निज़ामुल मुल्क तोसी का जो नज़रिया था बादशाह, तो उन्होंने 11वीं सदी के एक वो मरूफ फारसी आलम और सियासतदान थे, उन्होंने अपनी मशहूर किताब सियासत नामा यानी हुकमरानी की किताब के लिए मशहूर हैं और इस किताब में उस तोसी ने बादशाह के अपने नज़रिए पर तफसील से रोशनी डाली है जो हुकूमत के यानी कि जो हुकूमत के असूल थे और हुकमरानों की जिम्मेदारियाँ थे उनके मिसाली बादशाह के बारे में बसीरत काम करता है। तो अंडरस्टैंडिंग किंगशिप डेफिनेशन ऑफ द किंगशिप, बादशाह की तारीफ, बादशाह निज़ामुल मुल्क तोसी के नज़रिए के मुताबिक एक बादशाह या हुक्मरान के पास मौजूद सियासी इख्तियार और जिम्मेदारियों को जाहिर करती है। तो ये जो हुकूमत के निज़ाम है अदल इंसाफ और रवैया की खलक बूद के तस्वरात को भी शामिल करती है। अब किंगशिप के मकासद क्या हैं, बादशाह के मकासद, तो इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि बादशाह का बुनियादी मकसद रियासत के इस्तेकाम और नज़्म ज़ब्त और खुशहाली को यकीनी बनाना है। एक अच्छा बादशाह अपनी कौम की हिफाजत और फलाह बहबूद को तरजीह देता है। किंगशिप के जो प्रिंसिपल्स हैं, की प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस, सेंट्रल रोल ऑफ द जस्टिस यानी अदल का मरकजी किरदार, तो उसी के मुताबिक अदल इंसाफ मौसर बादशाह की बुनियाद है। हुक्मरान को ये यकीनी बनाना चाहिए कि मुआशरे में अदल कायम रहे क्योंकि ये आवाम के एतमाद और वफादारी को फ़रोग देता है। अदल के बगैर बादशाह की अथॉरिटी की कानूनी हैसियत कमज़ोर हो जाती है। देन प्रमोशन ऑफ द सोशल आर्डर बाई अपहोल्डिंग जस्टिस, एक बादशाह समाजी निज़ाम को बरकरार रख सकता है और इंतशार को रोक सकता है। तो उसे इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि एक मुनसिब हुक्मरान अवाम का एहतराम और हमायत हासिल करेगा जिससे एक मुस्तहकम और अमान मुआशरा वजूद में आएगा। विजडम एंड नॉलेज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, तो उसे बिलीव दैट अ रूलर मस्ट पजेस विजडम एंड नॉलेज टू गवर्न इफेक्टिवली। तो इसमें जो यानी हतोसी है उनका यह मानना था कि हुक्मरान को मौसर हुक्मरानी के लिए हिकमत और इलम का हासिल होना चाहिए। इसमें सियासी समाजी और माशी मामलात को जैसे कि समझ शामिल है। एक बाखबर जो बादशाह होता है इन्फॉर्म वर्किंग होता है और रियासत के मफाद में बेहतर फैसला कर सकता है। देन काउंसिल एंड एडवाइजर्स मुशीर और सलाहकार, बादशाह को अपने इर्द गिर्द दानिशमंद और इलम वाले मुशीरों का होना ज़रूरी है और तोसी मशवरा लेने की अहमियत के ऊपर जोर दे दें क्योंकि हुक्मरान को जो है वो मुख्तलिफ नुक्ते नज़र फराहम करता है और इसके नतीजे में बेहतर फैसला करने में मदद मिलती है। क्रिटिसिज्म ऑफ एन आइडियल किंग, वर्च्यू एंड मोरलिटी, तोसी इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि एक मिसाली बादशाह को दयानतदारी, इंसाफ पसंदी और रहम दिली जैसे नेक सिफात का हामिल होना चाहिए।
These traits help build trust and respect among the subjects. ये खसूसियात अवाम में एतमाद और एहतराम पैदा करने में मददगार साबित होती हैं. Then strong leadership, मजबूत क्यादत, एक मुसर बादशाह को मजबूत क्यादत की खसूसियात का मुजाहरा करना चाहिए जिनमें फैसला साजी है और अवाम को मुतहिद करने, मुतासिर करने की ताकत शामिल हो. तुसी बिलीव दैट अ स्ट्रॉन्ग लीडर कैन नेविगेट चैलेंजेस एंड मेंटेन स्टेबिलिटी. यानी तुसी का मानना है कि एक मजबूत लीडर मुश्किलात का सामना करके इस्तेकाम बरकरार रख सकता है. देन कमिटमेंट टू रिलीजन, मजहब से वाबस्तगी. तुसी एक बादशाह की मजहब से वाबस्तगी की अहमियत के ऊपर जोर देते हैं. एन आइडियल रूलर शुड अपहोल्ड रिलीजियस वैल्यूज एंड इंश्योर दैट द स्टेट ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इस्लामिक प्रिंसिपल्स. एक मिसाली हुक्मरान को मजहबी इकदार की पासदारी करनी चाहिए और ये यकीनी बनाना चाहिए कि रियासत इस्लामी असूलों के दायरे में रहे. तो निज़ामुल मुल्क तुसी का नजरिया जो था वो बादशाह मसर हुक्मरानी की एक वो कम्प्रिहेंसिव बेस देता है. इंसाफ, हिकमत, जवाबदही और बाकिरदार क़यादत पर जोर देकर तुसी एक मिसाली हुक्मरान की जरूरी खसूसियात को हाईलाइट करते हैं. तो उनकी जो बुक थी सियासतनामा, उनकी बसीरत आज के सियासी नजरिए में भी अहमियत रखती है और हुक्मरानों की जिम्मेदारियों और रियासत और आवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में इखलाक हुक्मरानी की जरूरत को वाजे करती है. और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि सोवरेन इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हु एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन वेस्टर्न इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सोवरेनिटी. सोवरेनिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट हुड. हकमियत और रियासत की सबसे बुनियादी अंसर है. मगरबी और इस्लामी नजरियात में हकमियत के फर्क की वजाहत करें तो सोवरेनिटी रेफर्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ एंड मेक अ डिसीजन इंडिपेंडेंटली. इट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटहुड इन्फ्लुएंसिंग हाउ पॉलिटिकल पावर इज एक्सरसाइज्ड एंड लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश्ड. हकमियत बतौर रियासत के बुनियादी अंसर है. हकमियत से मुराद है कि रियासत का खुद मुख्तार इख्तियार है कि वह खुद अपने फैसले करे और आजादाना तौर पर हुकूमत करे. यह रियासत की बुनियादी खसूसियात में से एक है जो सियासी ताकत के इस्तेमाल और कानूनी हैसियत के क्याम पर असरअंदाज होती है. हकमियत की डेफिनेशन क्या है? हकमियत रियासत का इख्तियार है कि वह खुद अपने मामलात यानी बगैर बैरूनी मदाखलत के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के चलाए और इसमें कवानीन बनाना है, उनका नफाज है, फिर खारजा तालुकात हैं, उनका क्याम है. उसके बाद हकमियत जो है रियासत के वजूद और इसके अफाल फ़ाल होने के लिए इंतहाई अहम है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ द सोवरेनिटी, हकमियत की अहमियत. हकमियत इस बात को यकीनी बनाती है कि एक रियासत को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़, नज़्म व ज़ब्त के क्याम और अपने शहरियों की फलाह बहबूद फराहम करने के अख्तियार हासिल. ये बैन अक़वामी ताल्लुक़ात और सफारतकारी की बुनियाद भी फराहम करता है. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द सोवरेनिटी, बेसिस ऑफ द सोवरेनिटी. जो मगरबी सियासी फिक्र में हकमियात का ताल्लुक है वो कौम यानी कि कौम रियासत के तसव्वुर से है और ये जो कॉन्सेप्ट है इस बात के ऊपर जोर देता है कि रियासत को अपने इलाके और अवाम पर इख्तियार हासिल है. देन पॉपुलर सोवरेनिटी, बहुत से मगरबी नजरियात अवामी हकमियत को अहमियत देते हैं जहाँ रियासत का इख्तियार अवाम की रजामंदी से आता है और ये आइडिया जमहूरी तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद है जहाँ शहरियों को अपने हुक्मरान मुंतखब करने और कवानीन पर असर अंदाज होने का हक हासिल होता है. हकमियत की जो अहमियत है, हकमियत इस बात को यकीनी बनाती है कि रियासत को अपने मफादात के तहफ्फुज, अपने नज़्म व ज़ब्त और जो यानी कि अपने शहरों की फलाह बहबूद है उसको फराहम करने का इख्तियार हासिल हो और ये बिन अक़वामी ताल्लुक़ात और सफारतकारी की बुनियाद भी देता है. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है हकमियत का? तो मगरबी सियासी फिक्र में जो हकमियत का ताल्लुक है वो मगरबी सियासी फिक्र के अंदर कौम रियासत की तसव्वुर से है और जिस बात के ऊपर जोर देता है कि रियासत को अपने जो है वो इलाके और अवाम के ऊपर इख्तियार हासिल है. उसके बाद पॉपुलर सोवरेनिटी है, यानी बहुत से मगरबी नज़रियात जो हैं वो अवामी हकमियत को अहमियत देते हैं जहाँ रियासत का इख्तियार अवाम की रजामंदी से आता है और ये तसव्वुर जमहूरी तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद है जहाँ शहरियों को अपने हुक्मरान मुंतखब करने और कवानीन पर असरअंदाज होने का हक हासिल होता है. उसके बाद है लीगल फ्रेमवर्क, यानी जो कि मगरबी हकमियात है उसके आमतौर पर वो कानूनी जो यानी फ्रेमवर्क है जैसे कि आयन है, बिन अक़वामी मुआहदात हैं, तो इनके ज़रिए ये मुतय्यन की जाती है और रियासत के इख्तियार जो है वो यानी कि कोडिफाइड होता है जो हुक्मरानी और कानूनी जिम्मेदारियों के लिए एक वाज़ह स्ट्रक्चर देता है. मगरबी और इस्लामी नजरिए हकमियत के दरमियान फ़र्क, अगर हम पहलू की बात करें तो इसमें है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में है पॉपुलर सोवरेनिटी फ्राम द पीपल, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर है डिवाइन सोवरेनिटी फ्राम अल्लाह. और उसके बाद दूसरा पहलू है लीगल फ्रेमवर्क का, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अंदर आता है कोडिफाइड लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस और इस्लामिक कॉन्सेप्ट में बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ.
Then this pehlu hai role of religion. Western concepts mein secular governance aur Islamic concept mein ke andar jo governance hai wo based karti hai religious peoples ki principles ke upar. Then chautha aspect hai nature of the rulership. Then Western concept mein ye elected representatives ke andar aata hai aur Islamic concept mein ruler is caretakers of the divine authority. Panchwa jo pehlu hai wo hai accountability ka. So accountability to citizens, ye Western concept mein aata hai aur Islamic concept mein accountability to God and the community. So hakmiyat jo hai wo riyasat ki bunyadi yani ke element hai, ansar hai jo mutlaq saqafaton mein ikhtiyar aur hukmrani ki yani ke understanding ko tafheem ko tashkeel deti hai jahan maghribi jo nazariya hai maghribi concept hai wo awami hakmiyat aur secularism par zor deta hai. وہیں جو اسلامی نظری ہے وہ الہی اختیار اور اسلامی قانون کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے تو ان اختلافات کو سمجھنا بین الاقوامی تعلقات اور مختلف کانٹیکس میں حکمرانی کا تجزیہ کرنے کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ تاریخی ثقافتی اور فلسفیانہ یعنی بنیادوں کی عکاسی کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے کریٹیکلی ایویلیٹ دی امپورٹنس آف دا پولیٹیکل پارٹیز ان اے ماڈرن اسٹیٹ اسیس دیئر رول ایز افیکٹو انسٹرومنٹ فار موبلائزنگ پبلک اوپینین جدید ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اہمیت کا تنقیدی جائزہ لیں اور عوامی رائے کو متحرک کرنے کے لیے ان کے کردار کا تجزیہ کریں Then importance of the political parties in the modern state تو political parties یعنی جدید ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اہمیت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جدید ریاستوں کے فعال ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ مختلف مفادات کی نمائندگی کرتی ہیں سیاسی شرکت کو فروغ دیتی ہیں عوامی رائے کو تشکیل دیتی ہیں Definition of the political parties. What are political parties? Political parties are organized groups of the people who share similar political beliefs and goals. They work to gain power through elections and influence government policies. So, जो सियासी जमातों की तारीफ है, सियासी जमातें लोगों के जो मुनज़म गिरोह है, जो एक सियासी नज़रियात और मकासद रखते हैं, ये इंतखाबात के जरिए इक़्तदार हासिल करने, फिर हुकूमत की पॉलिसियों के बरस अंदाज होने کے لیے کام کرتے ہیں اندر پر ان جماعتوں کا جو ایک منظم تنظیم قیادت اور پالیسیوں کا یعنی کہ ایک خاکہ ہوتا ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز کی اقسام ہیں جس میں میجر پارٹیز اہم جماعتیں یہ سیاسی نظام کی ڈومیننٹ جماعتیں ہوتی ہیں جو اکثر حکومت پر کافی کنٹرول رکھتی ہیں جیسے امریکہ کی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتیں ہیں پھر مائنر پارٹیز ہیں یعنی جو کہ چھوٹی جماعتیں ہیں یہ جماعتیں کم اثر رکھتی ہیں لیکن انتخابات اور پالیسی جو ڈبیٹس ہوتی ہیں ان پر کافی یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں جیسے کہ گرین پارٹی ہے اس کے بس سنگل پارٹی سسٹم ہے کچھ ممالک کے اندر صرف ایک جماعت کو اقتدار حاصل کرنے کی اجازت ہوتی ہے جسے پھر اکثریت محدود ہو جاتی ہے جسے چائنا میں کے اندر ہے کمیونسٹ پارٹی پھر امپورٹنس آف دا پولیٹیکل پارٹی ریپرزنٹیشن آف دا انٹرسٹ مفادات کی نمائندگی سیاسی جماعتیں معاشرے میں مختلف مفادات اور گروہوں کی نمائندگی کرتی ہیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ سیاسی عمل میں مختلف آوازیں سنی جائیں وہ ایسے یعنی افراد کو اکٹھا کرتی ہیں جو ایک ایسے نظریات ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں تاکہ وہ اجتماعی طور پر ان مسائل پر کام کر سکیں جو ان کے لیے اہم ہیں پھر فیسیلیٹیشن آف دا پولیٹیکل پارٹیسپیشن سیاسی شرکت کی سہولت تو جماعتیں شہریوں کو سیاسی عمل میں شامل ہونے کا پلیٹ فارم دیتی ہیں جیسے کہ کمپینز ہیں ریلیز ہیں اور ڈیبیٹس ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اہتمام کرتے ہیں پھر اسے ان افراد کو سیاست میں حصہ لینا اور اس میں شامل ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر اکاؤنٹبلٹی اینڈ گورننس ہے یعنی سیاسی جماعتیں حکومتوں کو اکاؤنٹیبل بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اقتدار کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے جماعتوں کو واضح پالیسی دینا ضروری ہوتا ہے جس سے ووٹر کو باخبر یعنی کہ انتخاب کرنے میں مدد ملتی ہے پھر یہ جو کمپٹیشن ہے یہ اچھی حکمرانی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کیونکہ جماعتوں کو انتخابات جیتنے کے لیے عوام کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے دین فارمیشن آف دا گورنمنٹ یعنی ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر حکومتوں کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتیں انتہائی اہم ہوتی ہیں عام طور پر ان کی پارلیمان میں اکثریت ہوتی ہے وہ ایسی پالیسی سازی فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں دین موبلائزنگ پبلک اوپینین رول آف دا پولیٹیکل پارٹیز ان شیپنگ پبلک اوپینین پبلک اوپینین بنانے میں جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ اپنے عوامی رائے کو شکل دینے سے اسے متحرک کرنے کے لیے مختلف ذرائع بھی استعمال کرتی ہیں جیسے کمپینز کے ذریعے میسیجز کے ذریعے جماعتیں اپنی پالیسیوں اور منشور کو مؤثر طریقے سے عوام تک پہنچانے کے لیے کمپینز تیار کرتی ہیں یہ عوامی ترجیحات کو خیالات کے اوپر اثر انداز ہونے میں مدد دیتی ہیں پھر میڈیا کے ساتھ شراکت داری کرتی ہیں سیاسی جماعتیں روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بڑی سطح پر عوام تک اپنی بات پہنچاتی ہیں براہ راست شہریوں سے بات چیت کرتی ہیں پھر ریپریزنٹیشن آف دا پبلک کنسنس ہیں یعنی پارٹیز جو ہیں جماعتیں اکثر عوامی رائے معلوم کرنے کے لیے سروے اور پولز کا بھی انعقاد کرتی ہیں
और इन मसाइल को अपने मंशूर में शामिल करके वामी हमायत हासिल करती हैं और अपने हमायतों में एक एहसास है यानी कि ताल्लुक पैदा करती हैं। फिर अवामी सतह के ऊपर यानी कि ग्रास रूट मोबिलाइजेशन है यानी सियासी जमातें शहरियों को मुतहरिक करने के लिए अवामी सतह पर तंजीमी काम करती हैं। वो अपने अरकान को मकामी सियासत में हिस्सा लेने फिर कम्युनिटी के मसाइल के लिए आवाज़ उठाने और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए हमायत हासिल करने की भी तरगीब देती हैं तो जिससे फिर शहरियों की शमूलियत को भी फ़रोग मिलता है। देन इसके बाद है यानी कि पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर तनकीद भी की जाती है। सियासी जमातें जो हैं हर एक तरह की तनकीद उनके ऊपर ये की जाती है कि वो माशरे में तकसीम पैदा कर सकते हैं जहाँ पर वफादारी पर जोर देना अहम मसाइल पर तामन और तफाक को कम कर सकता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी। सियासी जमातें अक्सर जो है वो फंडिंग के लिए चंदों के ऊपर इनसार कर रही होती हैं जो इस बात का यानी बात बन सकता है कि वो दौलतमंद दौलत के मफादात को अवाम मफाद पर तरजीह दें और इससे उनकी अवाम की जो मुंसिफाना नुमाइंदगी करने की सलाहियत है फिर वो इससे मुतासर हो सकती है। सियासी जमातें जो हैं वो जदीद रियासतों को एक्टिव करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। वो मुख्तलिफ मफादात की नुमाइंदगी करती हैं, सियासी शिरकत को प्रमोट करती हैं, अवामी राय को तश्कील देने में मदद देती हैं। तो ये जमातें शहरियों को मुतहरिक करने में हुकूमतों को अकाउंटेबल बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं लेकिन उनके साथ पोलराइजेशन और दौलत के असरात जैसे चैलेंजेस का सामना भी है। तो सियासी जमातें एक सेहतमंद एक बेहतर एक फाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं तो क्योंकि वो सियासी अमल में शमूलियत और नुमाइंदगी को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग लिबर्टी नेशनलिज्म यानी नोट लिखना है आज़ादी और आज़ादी के ऊपर और नेशनलिज्म के ऊपर। आज़ादी से मुराद क्या है? आज़ादी से मुराद वो हालत है जिसमें फ़र्द को अपनी ज़िंदगी रवैये या सियासी ख्यालात पर किसी ताकत के ज़वालमाना पाबंदियों से आज़ाद रहने का हक हासिल होता है। इट एनकंपासेस द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल एज लॉन्ग एज देयर एक्शन डू नॉट इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ द अदर्स। इसमें यह तस्वर शामिल है कि अफराद को अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करने का हक है जब तक कि उनके अमाल दूसरों के हकूक की खिलाफ वर्जी ना करें। फिर आज़ादी की यानी कि इकसाम है नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी। जो मनफी आज़ादी है फ्रीडम है इससे मुराद दूसरों खासतौर पर हुकूमत की तरफ से जो मदाखलत है उससे आज़ादी है और ये फर्द के हकूक और रुकावटों की अदम मौजूदगी के ऊपर जोर देती है। मिसाल के तौर पर फ्रीडम ऑफ द स्पीच यानी आज़ादी अजहार राय गैर कानूनी गिरफ्तारी से आज़ादी मनफी आज़ादी की मिसालें हैं। फिर है पॉजिटिव लिबर्टी ये फर्द की सलाहियतों और वसाइल तक रसाई की सलाहियत से मुतल्लिक है ताकि वह अपनी सलाहियतों को मुकम्मल इस्तेमाल कर सके और इसके जो अपने यानी कि वो इंतखाब कर सके जो अपने यानी कि उसके मफादात हैं। फिर ये रियासत के उस किरदार के ऊपर भी तवज्जो देती है फोकस करती है जिसके जरिए अफराद को अपने मकासद हासिल करने के लिए जो यानी कि हालात चाहिए होते हैं वो फराहम किए जाते हैं जैसे तलीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई दी जाती है। अब लिबर्टी की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ज़ाती खुद मुख्तारी जो है वो आज़ादी अफराद को ज़ाती फैसले करने और अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद मुंतखब करने की इजाज़त देती है जो ज़ाती तरक्की और खुशी के लिए भी ज़रूरी है। फिर पॉलिटिकल फ्रीडम है तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आज़ादी सियासी अमल में शिरकत और इख्तलाफ़ राय के इजहार के लिए इंतहाई अहम है जिससे फिर एक अफाल अवामी मुबैसा जो है वो यकीनी बनता है। उसके बाद सोशल प्रोग्रेस है यानी इसके अंदर जो है वो समाजी तरक्की है तो आज़ादी तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत को फ़रोग देते हैं क्योंकि अफराद को नए ख्यालात को तलाश करने में मौजूदा रवायात को चैलेंज करने की इजाज़त होती है। उसके बाद चैलेंजेस हैं कुछ यानी आज़ादी के अंदर जैसे आमरियत है तो माशर्त जो हुकूमतें हैं वो ज़ाती आज़ादियों पर बंदी लगा सकते हैं जिससे आज़ादी में फिर कमी हो सकती है। फिर इसके अंदर सोशल नॉर्म्स हैं यानी कि समाजी इकदार तो माशर्ती दबाव में फर्द की आज़ादी को महदूद कर सकता है क्योंकि लोग बाज रवैयों या अकायद की पाबंदी महसूस कर सकते हैं। फिर कौमियत है नेशनलिज्म कौम परस्ती तो नेशनलिज्म जो है एक ऐसा सियासी नजरिया है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो किसी खास कौम के मफादात और सकाफत के ऊपर जोर देता है जो अक्सर गैर मुल्की असर रसूख या कंट्रोल के खिलाफ होती है। तो इसी ख्याल को इसी आइडिया को फरोग देती है कि जो लोग एक मुश्तरक जबान सकाफत और तारीख रखते हैं उन्हें अपने खुद मुख्तार रियासत का हक हासिल होना चाहिए। फिर है नेशनलिज्म की टाइप सिविक एंड एथनिक नेशनलिज्म शहरी कौम परस्ती तो ये कौम परस्ती मुश्तरक शहरियत इकदार पर मबनी होती है इस कत नज़र के इसकी कौमियत क्या है तो ये जो शमूलियत है ये शमूलियत को फ़रोग देती है और इसके तस्वर को अपनाती है कि कोई भी शख्स असूलों पर अमल करके कौम का हिस्सा बन सकता है मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। उसके बाद है नस्ली कौम परस्ती। नस्ली कौम परस्ती के अंदर क्या होता है कि
قوم پرستی لوگوں کے درمیان احساس وابستگی اور شناخت کو فروغ دیتی ہے جو سماجی ہم آہنگی اور اجتماعی عمل کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اس کے بعد ہے یعنی کہ اس کے اندر جو آتا ہے ٹائپس آف نیشنلزم کے اندر, یعنی ایتھنک جو نیشنلزم ہے اس میں شکل جو ہے یہ مخصوص نسلی گروپ کے مشترکہ وراثت, زبان اور ثقافت پر زور دیتی ہے. اکثر جو نسلی گروپ ہوتے ہیں ان کے مفادات کو پروموٹ کرتی ہے, ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتی ہے. مثال کے طور کے اوپر دا موومنٹس فار دا انڈیپینڈنس بائی ویریس ایتھنک گروپس ہیں, یعنی مختلف نسلی گروہ ہیں ان کی آزادی کی تحریکیں ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی کہ جو اتحاد اور شناخت ہے, نیشنلزم فورسز ا سینس آف بلونگنگ آئیڈینٹیٹی امنگ پیپل پروموٹنگ سوشل کوہیژن کلیکٹیو ایکشن دین سیلف ڈیٹرمینیشن خود ارادی. نیشنلزم آفن ڈرائیوز موومنٹ فار انڈیپینڈنس اینڈ سیلف ڈیٹرمینیشن انیبلنگ نیشنز ٹو اسرٹ دیئر رائٹس اینڈ پرسیو دیئر اون فیوچرز, یعنی کہ قوم پرستی اکثر آزادی اور خود ارادیت کی تحریکوں کو متحرک کرتی ہے جس سے قومیں اپنے حقوق کا دعویٰ کرتی ہیں, اپنا مستقبل جو ہے وہ خود ترتیب دیتی ہیں. نیشنلزم کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ایکسکلوژن, کنفلکٹس اور گلوبلائزیشن آتی ہے. تو قوم پرستی جو ہے وہ اقلیتی گروہوں یا مہاجرین کو خارج کر سکتی ہے جو غالب قومی شناخت کا حصہ نہیں ہے, جس سے ان کی حاشیہ بندی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. دین کنفلکٹس ہیں یعنی کہ جو تنازع ہیں, انتہا پسند قوم پرستی دوسرے ممالک یا نسلی گروہوں کے خلاف نفرت, عدم برداشت اور تنازعات کو جنم دے سکتی ہے, جیسا کہ مختلف تاریخی اور موجودہ واقعات میں دیکھا بھی گیا ہے. اور پھر گلوبلائزیشن ہے تو ایک تیزی سے جڑنے والی دنیا میں قوم پرستی جو ہے وہ بعض اوقات عالمی تعاون اور بین الاقوامی کے ساتھ تصادم کرتے ہیں, جسے تجارت اور ہجرت جیسے مسائل پر تنازعات پیدا ہوتے ہیں. تو دونوں جو آزادی اور نیشنلزم ہے دونوں یعنی کہ یہ جو جدید سیاسی اور سماجی ڈائنمکس کو سمجھنے کے لیے اہم کنسیپٹس ہیں. اور آزادی انفرادی حقوق اور خود مختاری پر زور دیتی ہے, جبکہ قوم پرستی جو ہے وہ قومی شناخت اور اتحاد کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے. تو دونوں کے فوائد اور چیلنجز ہیں, ان کے باہمی اثرات دنیا بھر میں معاشروں کو تشکیل دیتے رہتے ہیں. سو ان ٹاپکس کے ریگارڈنگ اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو. اف یو لائک اور ویڈیو دین لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اوور چینل.